तो आज चल रहे हम अपने हेलमेट में बेसिक से इंटरकॉम लगाने, इससे नहीं जा रहे आज। चेंज करिए अपनी राइड आज के लिए इंटरसेप्टर। तो आज हम चलेंगे इंटरसेप्टर 650 से अपने हेलमेट में इंटरकॉम लगवाने के लिए। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं अनिकेत पनवार, आप देख रहे हैं द ड्रीम ऑफ बुलेट चैनल। तो वीडियो को अगर देखना आपको V6 इंटरकॉम कैसे लगता है क्या आपके हेलमेट में, तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिए। मिलते हैं आज आपसे रास्ते में। तो आ चुका है मेरठ से दिल्ली हाईवे। अब इसमें पता नहीं यार चलान स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि इसमें बाइक को मना किया हुआ है। तो देखते हैं आज चलान कटता है या फिर नहीं। वही जा तो रहा है एक, चल भाई तेरा कटेगा तो मेरा भी सही। तो टोल चल गया या नहीं चला ये नहीं पता हमें। टेस्टिंग चालू हो चुकी है टोल की, तो शायद मे भी टोल जब स्टार्ट हो जाए तब बाइक बंद हो जाए, कह कुछ नहीं सकते। तब खोल के अभी नहीं देखते, देखना बाइक की अगर आपको रेस दिख रही हो स्पीड, तो देखो कितनी स्मूथली जाती है, 120, 130 जैसे कुछ है ही नहीं, मक्खन। यही तो बात है, 130, 140 और 150, क्यों? अगर किसी ने कोई कहता रॉयल एनफील्ड अच्छी बाइक नहीं बनाती, और वो अभी तक हमारी रॉयल एनफील्ड की और बाइक को बैठा हुआ है, तो उसको इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी चला के देखनी चाहिए, तो पता लगेगा रॉयल एनफील्ड कैसी बाइक बनाता है। एकदम दमदार लोहा लाट और गजब। तो ये हमने कर दिया प्रमोशन फ्री में रॉयल एनफील्ड का। अगर कोई रॉयल एनफील्ड से देख रहा है तो हमें स्पॉन्सरशिप कर सकता है हमारे ट्रिप के लिए। हम ट्विन को ही लेके जा रहे हैं अपने नए ट्रिप पे, तो अगर कोई देख रहा हो तो हमें स्पॉन्सर कर सकता है, हम बिल्कुल उसको मना नहीं करेंगे। V6 लग चुका है पूरा, आपको थोड़ी बहुत मैंने क्लिपिंग दिखाई है उसकी, तो बाकी जाके इसका रिव्यू बताता हूँ आपको घर पे, आराम से रुक के बताऊँगा। तो आवाज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। Roundabout onto Grand Trunk Road. साउंड मतलब इतना बढ़िया नहीं है। Continue on Grand Trunk Road for 5 kilometers. पर हाँ बढ़िया है, मनी जितने पैसे दिए हैं उतने का मज़ा दे रहा है। अभी डलवाते हैं पेट्रोल, फिर चलते हैं सीधा घर। तो भाइयों इस वीडियो के एंडिंग में अभी घर पे आगे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए इसको यहाँ पे आगे एंड करना पड़ रहा है। बाकी इसका मैं आपके लिए पूरा रिव्यू लाने वाला इंटरकॉम का, मैं अभी राइड पे गया था तो सारा आपको बताऊँगा कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इंटरकॉम के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आने वाली और भी अच्छी हमारी राइडिंग की वीडियो, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट।